शिवपुरी जिले में बकरीद का त्यौहार परंपरा अनुसार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें मरकज मस्जिद सुबह 7:30 बजे, झांसी रोड ईदगाह पर 8 बजे, माधव चौक सवासत मस्जिद पर 8:30 बजे नमाज अदा की गई, जिसके बाद क्षेत्र एवं देश में अमन चैन भाईचारे खुशहाली की दुआएं। नमाज के बाद छोटे छोटे बच्चों ने भी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह के बाहर कांग्रेस बीजेपी नेताओं ने मुस्लिम समाज के लोगों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान SDOP अजय भार्गव, कोतवाली TI अमित सिंह भदौरिया, थाना TI विकास यादव सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। खबर हर पल के लिए मुकेश गौड़ की खबर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा यूसुफ शेख नाम है। अच्छा, आज जो ईद का फेस्टिवल है, आपको किस तरह से इसको मनाना है? सबसे पहले तो मैं अपने शहरवासियों को मेरी तरफ से ईद मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद है आज ईद उल जुहा है, जिसको हम बकरीद के रूप में मनाते हैं, और जिसके सुबह 3 टाइम जैसे कि मस्जिदों में और ईदगाह पे नमाज अदा की जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में आदमी नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं और भाईचारे की दुआ मांगते हैं। क्या क्या कुछ कार्यक्रम आगे होंगे? आगे नमाज के बाद आप सब अपने घरों में कुर्बानियाँ होती हैं, जिन घरों में कुर्बानी होती है जिसको उसको अपने अपनी खुशी में उस भाई को अपनी खुशी में शामिल करते हैं। अच्छा, अब आगे और क्या क्या कार्यक्रम होंगे और क्या कार्यक्रम हो चुके हैं अभी तक? अभी तक कुर्बानियाँ चल रही हैं हर घर में, जिस घर में नहीं होती उसको जो जिसके यहाँ कुर्बानी होती है उसको अपना अपने घर में बुलाया जाता है, दावत की जाती है। क्या कितने बजे से ये कार्यक्रम ये सुबह से नमाज के बाद सिलसिला चालू हो जाता है। इसमें और क्या आप शहरवासियों को कुछ अपनी तरफ से क्या कहना चाहूँगा? मैं अपने शहरवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग मिल के रहें, खुश रहें और बढ़िया अमन शांति के सब लोगों ने दुआ मांगी ईद के अवसर पर। जय हिंद, जय भारत।